मंडी के इंदिरा मार्केट स्थित स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की ब्रांच में किसी शातिर चोर ने सेंध लगा दी। फिल्मी स्टाइल की तरह बैंक की पिछली दीवार में छेद किया गया। चोर ने पिछली दीवार तक पहुंचने के लिए पीपल के पेड़ के तने में बने गड्ढे का इस्तेमाल किया। सुबह होते ही ब्रांच मैनेजर ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। ये है इंदिरा मार्केट स्थित स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की शाखा, और ये देखिए शाखा के अंदर दीवार पर बना ये छेद। किसी शातिर चोर ने यहाँ से बैंक के अंदर आने की कोशिश की। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोर इंदिरा मार्केट की छत पर बने इस छेद से अंदर घुसा। जैसे तैसे वह इंदिरा मार्केट के पीछे बनी खाली जगह तक पहुंचा और वहां से बैंक के अंदर सेंधमारी कर डाली। हालांकि पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चोर कुछ भी चोरी नहीं कर सका। सिटी थाना प्रभारी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जाँच गहनता से की जा रही है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन से यह मांग की जाएगी कि इंदिरा मार्केट पर बने ऐसे 3 गड्ढों को जल्द से जल्द बंद करवा दिया जाए। आज सुबह स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के असिस्टेंट मैनेजर ने चौकी भी सूचित किया कि यहाँ पे किसी ने चोरी करने की कोशिश करी है, दीवार तोड़ी है पीछे से, जिस पर मैं स्टाफ से यहाँ पहुँचा। सचिव साहब तो मौका पे हालात तस्दीक करने पे पाया गया कि किसी ने पीछे से दीवार को भेदने की कोशिश की है और कोई अंदर घुस के चेस्ट को तोड़ने की कोशिश की है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया है। छानबीन कर रही है पुलिस, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, संदिग्धों को इंटरोगेट किया जाएगा। फिलहाल प्रथम दृष्टया सामान जांचा गया है, कैश जांचा गया, किसी तरह का कोई कागजात सामान या कैश चोरी नहीं हुआ, सिर्फ अटेम्प्ट ही हुआ है। पेट्रोलिंग होल ऑफ द सिटी की जाती है, इस तरह से भी पेट्रोलिंग की जाती है, पेट्रोलिंग तो शहर में है ही, पर ये जो मामला पाया गया है ये है अंदर से एंट्रांस है, इसके लिए प्रशासन को पहले भी सूचित किया गया था। ये एंट्रेंस है और यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति घुस जाता है तो पता नहीं चल पाता, क्योंकि ये अंदर बैक डोर में है और आवाज़ आने की भी कोई संभावना नहीं है। तो उस तरफ से अंदर घुस के उस एंट्रेंस से दरवाजे से घुस के ये कोशिश की गई है, जिसके बारे प्रशासन को दोबारा से लिखा जाएगा कि जो ये एंट्रेंस हैं इंदिरा मार्केट के बैक डोर में, उनको बंद किया जाए। रात के वक्त इंदिरा मार्केट में नाइट गार्ड भी तैनात रहता है। चोरी के वक्त नाइट गार्ड क्या कर रहा था, इस मामले पर के चैनल ने बात की गार्ड से। क्या कहना था गार्ड का, आइए सुनते हैं। यहाँ पर ऐसी ऐसी जगह है जहाँ के ऊपर की छेद है और वहाँ से लोग यानी कि बैक साइड को कोई भी आदमी आराम से नीचे जा सकता है, तो उसी तरीके से मैंने पहले भी बोला है, मैंने रिपोर्ट दी हुई है कि जी ऐसा है कि ये जो जो छेद है इनको बंद किया जाए, यहाँ से आदमी गुजर नीचे को जा सकते हैं, तो यहाँ लेंटर वगैरह डाल दो और कुछ पार्ले साइड में गेट है तो वो भी खुले हैं, ख़राब है, मैं ऊपर ताले लगाता हूँ 11 बजे चारों तरफ, फिर उसके बाद फिर एक दो राउंड ऊपर मारता हूँ, फिर उसके बाद नीचे भी देखना पड़ता है मेरे को इतनी बड़ी, अब मैं इधर ही घूमता रहूँगा और भरे तो नीचे ताले तोड़ के अंदर से कोई ले जाएगा, कोई निकाल के कुछ भी, तो उसमें तो फिर मेरे को ही नुकसान होगा। हाँ जी, तो मैंने बता दिया है पहले कि और लाइटें यहाँ पर लाइटें भी नहीं है रात को, तो हो सकता है रात को कोई दूसरा आदमी आकर मेरे पर भी वार कर सकता है, तो मेरी जान को भी खतरा है। बहरहाल बैंक की किस्मत अच्छी थी कि चोर कुछ भी चोरी करने में कामयाब नहीं हो सका। चोरी के अंदाज से शक किया जा सकता है कि यह काम किसी ऐसे शख्स का है जो इंदिरा मार्केट की बनावट से भली भांति परिचित था, पर चोर ने अंदर पहुंचकर चोरी क्यों नहीं की, यह भी बड़ा सवाल है। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि चोर ने सेंध 24 की रात को लगाई होगी, और क्योंकि 25 तारीख को क्रिसमस की छुट्टी होती है इस कारण वह पूरी तैयारी के साथ 25 तारीख की रात को चोरी करने वापस आता। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।